हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उमाकांत वर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो बायोलॉजी की, ये मेरी थर्ड क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वसा और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन के विषय में चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, मैंने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और भोजन के जो घटक होते हैं उनमें हमने कार्बोहाइड्रेट पूरा फिनिश कर दिया था, ठीक है। और आज की क्लास में वसा प्लस प्रोटीन, वसा और प्रोटीन। वसा क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है, ये किससे निर्मित होता है, ये किससे निर्मित होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले वसा पे। तो वसा क्या होती है, वसा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक होता है, ठीक है। वसा किससे निर्मित होती है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और यहीं पर अगर बात करें प्रोटीन की भी बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, तो प्रोटीन में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और इसमें नाइट्रोजन और जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए वसा और प्रोटीन में अंतर क्या है, वसा में तीन तत्व पाए जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक होता है। और अगर बात की जाए ये घुलनशील होता है जल में या नहीं होता है, तो जल में घुलनशील नहीं होता है, ये जल में अघुलनशील होता है। जल में अघुलनशील होता है, ठीक है, यानी कि जल में ये घुलता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें वसा घुल जाती है, तो वो कौन कौन से है, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, बेंजीन, अल्कोहल, और पेट्रोलियम। क्लोरोफार्म, बेंजीन, एल्कोहल और पेट्रोलियम, ऐसे यानी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे, कार्बनिक पदार्थ, उनमें क्या होगा, क्लोरोफार्म, बेंजीन और एल्कोहल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थों में जैसे क्लोरोफार्म, बेंजीन, एल्कोहल, पेट्रोलियम, फिर चाहे वो मिट्टी का तेल हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, इन सब में क्या है, जो वसा होती है घुल जाती है, ओके। इनमें क्या होती है, घुलनशील होती है। इनमें घुलनशील होती है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि वसा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, यहां से भी नहीं पूछा जाता है, जो वसा के प्रकार हैं, वसा के कितने प्रकार है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो वसा के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, एक तो संतृप्त वसा हो गई, संतृप्त वसा, और दूसरी असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है यहां से कि कौन सी वसा हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है और कौन सी हानिकारक। तो इनमें से जो संतृप्त वसा होती है ये हमारे शरीर के लिए या हमारे शरीर के लिए कैसी लाभदायक होगी या हानिकारक, तो यह हानिकारक होगी, यह हानिकारक होती है। संतृप्त वसा क्या होती है, हमारे शरीर के लिए हमारे लिए हानिकारक होती है, क्यों, क्योंकि यह जो होती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, ठीक है, इसीलिए यह संतृप्त वसा जो होती है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। और असंतृप्त वसा की बात की जाए तो असंतृप्त वसा
जो होती है ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, शरीर के लिए लाभदायक होती है। कैसी होती है? लाभदायक होती है। और ये जो असंतृप्त अवस्था होती है ये हमारे पाचन क्रिया में सहायक होती है। किसमें? पाचन क्रिया में सहायक होती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। पाचन क्रिया में सहायक प्लस इससे हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, यहां तक समझ में आया? संतृप्त अवस्था क्या होती है? हमारे लिए हानिकारक होती है और ये क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो इसमें शुद्ध घी हो जाएगा, शुद्ध घी, वनस्पति घी यानी डालडा जिसे हम लोग बोलते हैं, वनस्पति घी, ताड़ का तेल, ताड़ का तेल आदि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, शुद्ध घी, वनस्पति घी, ताड़ का तेल और ताड़ का तेल, शुद्ध घी और जैसे मक्खन हो गया, ये जो है ये संतृप्त अवस्था के उदाहरण है और इनको अधिक खाने से हमारे जो हमारे शरीर है ये वृद्धि कर सकता है, बहुत ज्यादा मोटापा हो सकता है, मोटापे जैसी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं असंतृप्त अवस्था की ओर। तो असंतृप्त अवस्था हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है क्योंकि ये पाचन क्रिया में सहायक होती है और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सरसों का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली, सूरजमुखी, राई होती है ना वो, और सोयाबीन, मकई, जैतून, ये सारे के सारे असंतृप्त अवस्था के उदाहरण है। इनको अगर हम खाते हैं वो भी एक सीमित मात्रा होती है, ठीक है, उतने लेना चाहिए। तो असंतृप्त अवस्था हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो पाचन क्रिया में सहायक होती है, किसमें? पाचन क्रिया में सहायक होती है और इससे हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, इससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। आइए अब प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो पूछा भी जाता है कि एक ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, एक ग्राम वसा के दहन से मनुष्य को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां पर यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो एक ग्राम वसा के दहन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है, इतना सब भूल जाइए लेकिन इसे मत भूलना। एक ग्राम वसा के दहन से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, अब बात करते हैं प्रोटीन पे। तो प्रोटीन हमने जैसा कि पहले ही आपको बताया, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इसके साथ साथ नाइट्रोजन से निर्मित एक यौगिक है। ओके, प्रोटीन, तो प्रोटीन की खोज किसने की? वर्जीलियस ने की थी। किसने की थी? वर्जीलियस। प्रोटीन की खोज वर्जीलियस ने की और इसका जो नामकरण किसने किया? नामकरण जे.जे. मोल्डर ने किया। जे.जे. मोल्डर ने 1830 ईस्वी में किया। ओके, प्रोटीन की खोज वर्जीलियस ने की और प्रोटीन का नामकरण किसने किया? जे.जे. मोल्डर ने किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन से, प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन हमारे इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है लेकिन प्रोटीन जो होती है हमारे शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है। किसमें सहायक होती? शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है
और इसके साथ साथ प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तो पाए जाते हैं। इनके अलावा गंधक, गंधक तांबा, जस्ता आदि विभिन्न प्रकार के भी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन हमारे शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है, इसके साथ ही हमारे जो ऊतक वगैरह नस कभी कभी चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो टूट फूट जाती हैं और हड्डियाँ भी कभी कभी टूट जाती हैं, यानी कि शारीरिक जो क्षति हमें पहुँचती है, घाव हो जाते हैं, तो इन सारी जो ये सारी कमियाँ हो जाती हैं तो इनके पूर्ति के लिए, घावों को भरने के लिए शरीर के पुनर्निर्माण में प्रोटीन अपना अहम योगदान देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रोटीन का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जितनी भी दालें हैं, जितनी भी प्रकार की दालें हैं वो सारे के सारे प्रोटीन के स्रोत हैं। मछली हो गई, अंडे हो गए, यानी ठीक है, तो प्रोटीन सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दाल, मछली, अंडे और मटर है, मटर हो गई और सेम हो गया, पनीर हो गया। ठीक है, दूध में भी प्रोटीन होती है, सबको पता होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के प्रकार मुख्यतः तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक तो आपकी सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और एक जटिल प्रोटीन होगी। तो सबसे पहली कौन सी? सरल प्रोटीन, सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और जटिल प्रोटीन। तो ये तीन प्रकार होते हैं प्रोटीन के। ओके, तो देखिए सरल प्रोटीन क्या होती है। सरल प्रोटीन जो होती है ये अमीनो अम्ल से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? अमीनो अम्ल से निर्मित होती है, अमीनो अम्ल जो होते हैं उनसे निर्मित होती है, अमीनो अम्ल से निर्मित होती है। और जो संयुक्त प्रोटीन होती है इसमें अमीनो अम्ल प्लस अन्य पदार्थ आ जाते हैं, अमीनो अम्ल प्लस अन्य पदार्थ भी कुछ शामिल हो जाते हैं। तो सरल प्रोटीन देखिए बिल्कुल सरल है, केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। और जो संयुक्त प्रोटीन होती है ये इसमें अमीनो अम्ल तो पाए जाते हैं, इसके साथ साथ कुछ अन्य भी पदार्थ इसमें आकर मिल जाते हैं, तो वो प्रोटीन संयुक्त प्रोटीन कहलाती है। तो सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन। इसके बाद में जटिल प्रोटीन। तो जटिल प्रोटीन क्या होती है? जटिल प्रोटीन जो होती है ये सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन इनका जब विघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, तब ये जटिल प्रोटीन का निर्माण करती है। सरल प्लस संयुक्त प्रोटीन के अपघटन से प्राप्त प्रोटीन जटिल प्रोटीन होती है। जटिल प्रोटीन कहलाती है। ओके, तो जटिल प्रोटीन क्या होती है? सरल प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन का जब अपघटन होता है, विघटन होता है, उससे जो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है वही जटिल प्रोटीन होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के जो उपयोग क्या क्या होते हैं, प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य, तो देखिए प्रोटीन के कार्य क्या है। तो प्रोटीन के कार्य क्या क्या है? तो प्रोटीन के कार्य देखिए, नंबर एक, ये हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है, शरीर की वृद्धि में सहायक होती है, शरीर की
वृद्धि में सहायक, शरीर की वृद्धि में सहायक। और आपको पता होगा जो एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में एंटीजन व एंटीबॉडी जो होते हैं ये प्रोटीन के रूप में ही पाए जाते हैं। एंटीजन एंटीजन व एंटीबॉडी, एंटीजन व एंटीबॉडी जो होते हैं ये प्रोटीन के रूप में ही पाए जाते हैं, प्रोटीन के रूप में ही पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन से निर्मित होता है, तो हमारे शरीर का कुल, शरीर का कुल 15% जो हिस्सा होता है शरीर का, यानी हमारी बॉडी जो है इसका 15% प्रोटीन से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से निर्मित होता है। इसके साथ ही जो त्वचा और मांसपेशियां, जब त्वचा और मांसपेशियां इनमें जब कभी चोट लग जाती है या जब ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो इनके निर्माण में कौन सहायक होता है? प्रोटीन सहायक होता है, ठीक है। कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, इसके साथ ही जो जहाँ पे घाव हो गया था कुछ समय बाद वह घाव पुनः वैसे ही हो जाता है और वहाँ पे पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर घाव भी हुआ था, तो वो क्या है? तो वहाँ पर प्रोटीन अपना कार्य करती है, ठीक है। इसके साथ ही जब हड्डियाँ भी टूट जाती तो हड्डियों के निर्माण में भी, हड्डियों के जुड़ने में भी कौन सहायता करता है? प्रोटीन सहायता करता है। इसके बाद अगर बात की जाए हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं कहीं पर भी टूट फूट होती है तो वहाँ पर प्रोटीन ही सहायता करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के प्रति सुरक्षा भी प्रदान करता है, हालांकि विटामिन और जो खनिज और लवण होते हैं वे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन प्रोटीन भी हमारे शरीर की रक्षा करने में सहायता करता है। क्योंकि अगर ये घाव जो हो जाते हैं, चोट लग जाती है, अगर इनमें प्रोटीन अपनी मदद ना करे, प्रोटीन सहायक ना हो, तो वे घाव वैसे ही बने रहेंगे, यहाँ तक कि और भी बदतर होते चले जाएंगे और शरीर को भारी नुकसान सहना पड़ता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैरोटीन। कैरोटीन एक प्रोटीन है जो हमारी त्वचा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? त्वचा में और नाखूनों में पाई जाती है कैरोटीन। कैरोटीन जो प्रोटीन है ये नाखूनों में और त्वचा में पाई जाती है, नाखून प्लस त्वचा, ओके। कैरोटीन जो प्रोटीन है हमारे शरीर में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? नाखूनों में और बाल में भी पाई जाती है। बालों में कैरोटीन कहाँ पाई जाती है? नाखूनों और बालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इसके साथ ही दूध, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? दूध में कैसीन नाम की प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन नाम की प्रोटीन होती है, कैसीन नाम की प्रोटीन होती है दूध में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं और उसके बाद में हम लोग जल पे बात करेंगे, वाटर पे। तो प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं क्वासरकोड। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासरकोड रोग हो जाता है। क्वासरकोड रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। और अगर बात की जाए प्रोटीन और वसा की कमी से, प्रोटीन प्लस वसा की कमी से, प्रोटीन प्लस वसा की कमी से कौन सा रोग होगा? तो मेरेस्मस हो जाता है, मेरेस्मस। तो केवल प्रोटीन की कमी से अगर पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो क्वासरकोड होता है। और अगर प्रोटीन प्लस वसा दोनों की कमी से कौन सा रोग हो, तो मेरेस्मस रोग हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में बच्चे जो होते हैं बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं और बहुत ही एक तरीके से भयानक खतरनाक रोग होते हैं, ठीक है। तो ये जो रोग थे प्रमुख, प्रोटीन की कमी से और वसा और प्रोटीन दोनों की कमी से जो रोग होते हैं वो मैंने आपको बताई है। अब बात करेंगे हम लोग कुछ जो जल होता है, जल में कौन कौन तत्व पाए जाते हैं, जल क्या होता है।
देखिए जल जो होता है जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और अगर खाना ना आदमी को मिले तो कोई बात नहीं, अगर उसको जल नहीं मिलता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जीना मनुष्य का। तो जल जो होता है यह एक, सबसे पहले अगर बात की जाए, ये जितने भी हमने वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इनके बारे में पढ़ा, तो ये कार्बनिक यौगिक थे। कैसे? इनमें कार्बन पाया जाता था, कार्बनिक यौगिक थे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक थे। अगर जल की यहां पर बात की जाए, वाटर की अगर बात की जाए, तो वाटर एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा? अकार्बनिक। कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है, यानी कि इसमें जो कार्बन होता है वो नहीं होता। तो अब ये जो जल होता है किससे मिलकर बना होता है? तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। जल किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रित रूप जो है वही जल है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है? तो जल में हाइड्रोजन का 2 अणु होता है और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। ऑक्सीजन का कितना अणु होता है? 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर अनुपात पूछे तो 2:1 होगा। कभी कभी इस प्रकार पूछ देगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो वहां पर 2:1 गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहां पर आपका हो जाएगा 1:2। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अनुपात पूछता है तो 1:2 हो जाएगा। जल कैसा यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इनका अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। और इसका अगर सूत्र की बात की जाए तो H2O होता है। तो देखिए रेशियो सेम छुपा है, हाइड्रोजन के 2 अणु है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 अणु। तो ठीक इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जल जो होता है हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण चीज है, यानी कि जल ही जीवन है जैसा सभी लोग कहते हैं। तो जल जो होता है, जल का कार्य क्या है? जल हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करता है। क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर नियुक्त करता है, नियंत्रित करता है, और इसके साथ ही स्वेदन के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे बॉडी में होते हैं, तो उनको भी शरीर जल स्वेदन यानी पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देता है। स्वेदन क्या होता है? हमारे शरीर में त्वचा पे सब होल ही हैं, यानी कि सब छिद्र हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें जब पता चलता है जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है। तो पसीना देखिए क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर भिन्न भिन्न होता है, और उस समय जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निकलना बहुत जरूरी होता है। और टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए ही यह स्वेदन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं, और हमारा शरीर का जो तापमान होता है वो एक निश्चित तापमान बना रहता है। उसके बाद में दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, आप सबको पता होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड है BOD। तो BOD से देखिए क्वेश्चन भी बन चुका है, BOD क्या होता है? तो BOD हम बताएंगे आपको क्या होता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका BOD का फुल फॉर्म है। तो BOD क्या होता है? BOD पे काफी चर्चा करनी, अगर चर्चा की जाए तो बहुत देर चर्चा होगी, लेकिन हम आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे BOD क्या है। तो BOD जो होता है, ये जल जो दूषित हो जाता है, यानी कि देखिए जैसे कि प्रदूषण शब्द है पोल्यूशन, वैसे ही पोल्यूशन अलग अलग प्रकार का होता है, एयर पोल्यूशन हो या फिर वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो या फिर वो वाटर पोल्यूशन हो। तो हर चीज को मापने के लिए अलग अलग कुछ पैमाने निर्धारित किए गए। BOD जो है इससे जल प्रदूषण की जांच की जाती है।
प्रदूषण की जांच कैसे की जाती है? तो इससे जो बीओडी होता है, इससे हमें पता चल जाता है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगर पानी की में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो जल कैसा है? दूषित नहीं है। अगर जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, पर्याप्त ऑक्सीजन है जल में, तो वहाँ पर जो उसके अंदर जीव जंतु रह रहे होंगे तो उनको ऑक्सीजन जो होगा उपलब्ध रहेगा, यानी जितनी भी उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी वो ले सकेंगे। अगर जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो बीओडी क्या है? अधिक है। बीओडी क्या है? अधिक। जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो बीओडी अधिक हो जाता है। बीओडी ज्यादा होने पर जल में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। यानी कि जब भी बीओडी ज्यादा होगा जल का, तब जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कम होगी, और जब भी बीओडी कम होगा पानी में तो ऑक्सीजन की मात्रा जल में अधिक होगी। तो बीओडी ज्यादा होने पर जल कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। यही बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जल प्रदूषण को मापने की एक पद्धति है। इसके द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन का हमें पता चल जाता है ऑक्सीजन कितनी है। अगर जल में ऑक्सीजन कम है तो वो जल दूषित माना जाएगा। अगर जल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो वो जल अच्छा पीने योग्य होगा। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखिए प्रोटीन, वसा और जल और उसके साथ साथ बीओडी पर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए मंजिल ऑनलाइन गुरु के साथ। और हाँ, मैं आपसे लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें।